अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आप देख रहे हैं डॉक्टर ऑफ केमिस्ट्री और मैं हूं वकार अजीम। हमने चैप्टर नंबर 3 फर्स्ट ईयर के 8 लेक्चर्स आप तक पहुंचा दिए थे और आज हम 9वें लेक्चर्स में एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर हुए हैं और ये है काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस। बेसिकली गैस के मॉलिक्यूल्स के बिहेवियर को, चूँकि वो रैंडम बिहेवियर था, अनोमलस बिहेवियर था, उसको एक्सप्लेन करने के लिए गैस लॉज की एक पूरी कहानी हमने पढ़ी। आइडियल गैस हमने ख़ुद से डिराइव कर ली, हालांकि वो एग्जिस्ट नहीं करती, और वो एक स्टैंडर्ड बना लिया, और जितनी भी रियल गैसेस हैं उन तमाम रियल गैसेस को आइडियल गैस की प्रॉपर्टीज़ के साथ कंपेयर करके हमने उनकी प्रॉपर्टीज़ असाइन की। तो अब हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है दैट इज़ काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस, कि गैस के मॉलिक्यूल्स किस तरह से मूव करते हैं, उनकी वेलोसिटी किस तरह से होती है, उनकी एनर्जीज़ किस तरह से होती हैं और फर्दर मोर। तो आइए डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी करती क्या है। बेसिकली इट एक्सप्लेन्स द बिहेवियर ऑफ गैसेस, गैस के मॉलिक्यूल्स का बिहेवियर ये डिटरमिन करती है। अब इसमें डियर स्टूडेंट्स, जब ये लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो इसे अटेम्प्ट करने का तरीका ये होता है कि आप पहले इसकी हिस्ट्री को देखें कि कितने साइंटिस्ट की कंट्रीब्यूशन है इसको डिराइव करने के हवाले से, और उसके बाद हम इसकी डेरिवेशन की तरफ आ जाते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कौन कौन से साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसको डिराइव करने में अपना रोल प्ले किया। द फर्स्ट वॉज बर्नौली। बर्नौली ने सबसे पहले काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी और इसके पॉस्टुलेट्स हमारे सामने रखे थे। इन्हीं पॉस्टुलेट्स और इसी कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हुए कैलासियस ने क्या किया, काइनेटिक इक्वेशन, काइनेटिक मॉलिक्यूलर इक्वेशन डिराइव की, KME, that is PV is equal to 1/3 MNC square bar। और इसी इक्वेशन को यूज़ करते हुए उसने जितने भी गैस लॉज हैं, जैसे बॉयल्स लॉ है हमारे पास, चार्ल्स लॉ है, और उसके बाद हमारे पास एवोगैड्रोज लॉ है, और उसके बाद हमारे पास ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन है। दो लॉज हमने आज डिराइव करने भी हैं, एक हमारे पास बॉयल्स लॉ है हमने डिराइव किया हुआ है, एक हमने चार्ल्स लॉ यहाँ पर डिराइव किया हुआ है। तो हमारे पास जो कैलासियस था उसने काइनेटिक मॉलिक्यूलर इक्वेशन डिराइव की और उससे उसने फर्दर गैस लॉज को डिराइव किया। मैक्सवेल की कंट्रीब्यूशन बड़ी इंपॉर्टेंट थी। मैक्सवेल ने हमें बताया कि गैस के मॉलिक्यूल्स मूव किस तरह से करते हैं। उसने हमें बताया कि गैस के मॉलिक्यूल्स जो हैं दे मूव इन द फॉर्म ऑफ ग्रुप्स। ये जो है ये इनकी मूवमेंट जो है वो किस फॉर्म में होती है, ग्रुप्स की फॉर्म में होती है, और उन ग्रुप्स की जो वेलोसिटी रेंजेस हैं वो डिफरेंट होती हैं। और जब भी हम किसी गैस के मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी की बात करते हैं तो एक्चुअली वी आर एट दैट टाइम वी आर टॉकिंग अबाउट द मीन स्केयर वेलोसिटी। मतलब जितने भी गैस के मॉलिक्यूल्स हैं और उनकी जितनी भी वेलोसिटीज़ हैं उनका मीन लेके उसका हम स्केयर लेके बात करते हैं। तो उसने ये इक्वेशन हमारे पास दी थी कि सी स्केयर बार दैट इज मीन स्केयर वेलोसिटी इक्वल टू सी वन स्केयर, सी टू स्केयर, सी थ्री स्केयर अप टू सो ऑन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल। ये टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं और ये हमारे पास उन मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटीज हैं। तो जब भी हम बात करते हैं हम मीन स्केयर वेलोसिटी की बात करते हैं। तो ये जो कंट्रीब्यूशन थी दैट वाज गिवन बाय मैक्सवेल एंड ही फर्दर इलेबोरेटेड एंड एक्सटेंडेड द काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी। उसके बाद हमारे पास एक और साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है जी बोल्ट्जमैन। बोल्ट्जमैन ने, जैसे अब जाहिर सी बात है कि जो एनर्जी है गैस के मॉलिक्यूल्स की, मैं यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी की बात करता हूँ, दैट इज 1/2 एम एन सी स्केयर बार। आप फिजिक्स में इसे इस तरह पढ़ते हैं हाफ एम वी स्केयर। तो यहाँ पर ये जो सी स्केयर बार है इसने वी को, वेलोसिटी को रिप्लेस कर दिया और मैस हम यहाँ पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और वन मॉलिक्यूल का जो मैस है उसको हम मल्टीप्लाई करके टोटल मैस निकाल लेते हैं। तो उसने, अब देखें जो काइनेटिक एनर्जी है इसका वेलोसिटी के साथ डायरेक्ट रिलेशन है। जब वेलोसिटी रेंजेस डिफरेंट हैं तो ऑब्वियसली एनर्जी रेंजेस भी क्या होनी चाहिए, डिफरेंट होनी चाहिए। दैट्स व्हाई बोल्ट्जमैन गिव डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जीज। और उसके बाद हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन है, जब ये थ्योरी प्रपोज कर दी गई
प्रपोज करने के बाद इसमें काफ़ी सारे फ्लॉज थे, इसके अंदर दो पास्टुलेट्स ऐसे थे जो रॉन्ग पास्टुलेट्स थे, उन रॉन्ग पास्टुलेट्स को करेक्ट किया था वान डर वाल ने। तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि ही पॉइंटेड आउट द रॉन्ग पास्टुलेट्स इन KMT एंड गेव प्रेशर एंड वॉल्यूम करेक्शन, जो कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक भी होगा। उसने जो हमारे पास जनरल गैस इक्वेशन थी, दैट वॉज PV इज इक्वल टू NRT, उसने बेसिकली प्रेशर और वॉल्यूम के उन फ्रैक्शंस को जिनको इग्नोर कर दिया जाता है रियल गैस के केस में, उसने उन्हें करेक्ट किया था, और उसके बाद उसने इक्वेशन फॉर रियल गैसेस दी थी जो कि हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। तो ये हमारे पास हिस्ट्री थी। उसके बाद हम पास्टुलेट्स पे आ जाते हैं कि पास्टुलेट्स के अंदर क्या हुआ था। देखें, सबसे पहला पास्टुलेट जो है ये मॉलिक्यूल्स को डिफाइन करता है कि व्हाट आर मॉलिक्यूल्स। बेसिकली गैसेस जो हैं, गैसेस कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स, जिन्हें क्या कहते हैं मॉलिक्यूल्स। लाइक अगर आप हाइड्रोजन गैस की बात करेंगे तो उसके अंदर H2 के काफ़ी सारे मॉलिक्यूल्स होंगे। अगर आप नाइट्रोजन गैस की बात करेंगे तो उसके अंदर N2 के काफ़ी सारे मॉलिक्यूल्स होंगे। अगर आप इसी तरह से ऑक्सीजन गैस की बात करेंगे तो उसके अंदर O2 के काफ़ी सारे मॉलिक्यूल्स होंगे। एट द सेम टाइम जो दूसरा पॉस्टुलेट है, इट एक्सप्लेन्स द मूवमेंट ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स। अब चूंकि गैसेस के अंदर देयर आर वाइडली, ये सेपरेशन की बात भी आती है, स्पेसेस की बात भी आती है, कि गैस के मॉलिक्यूल्स के दरमियान में स्पेसेस बहुत ज़्यादा होती हैं। जब स्पेसेस बहुत ज़्यादा होंगी तो ऑब्वियसली क्या होगा, उसके नतीजे में हमारे पास जो गैस के मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट है वो रेंडम हो जाएगी। अब जब गैस के मॉलिक्यूल्स रेंडमली मूव करते हैं तो वो एक दूसरे के साथ भी अलॉट ऑफ द टाइम टकराते हैं। एट द सेम टाइम वो कंटेनर के साथ भी, जिसके अंदर वो इनक्लोज्ड होते हैं, उनकी वॉल्स के साथ भी टकराते हैं। तो वेन एवर वी आर टॉकिंग अबाउट द प्रेशर ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स, हम बेसिकली किसकी बात करते हैं कि वो प्रेशर जो है वो बिल्ट अप होता है बिकॉज ऑफ कोलिजन ऑफ मॉलिक्यूल्स विद देमसेल्व्स, के गैस के मॉलिक्यूल्स आपस में भी एक दूसरे से टकराते हैं। अब दो मॉलिक्यूल्स टकराएंगे तो फिर वो एक दूसरे से दूर चले जाएंगे, और एट द सेम टाइम दे कोलाइड विद द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। तो इसकी वजह से एक प्रेशर बिल्टअप हो जाता है, और गैस का जो प्रेशर होता है एक्चुअली वो इन दो कोलिजन्स की वजह से होता है, कोलिजन बिटवीन देमसेल्व्स एंड कोलिजन विद द वॉल्स ऑफ कंटेनर। हमारा जो फोर्थ पॉइंट है, इट एक्सप्लेन्स द स्पेसेस अमंग द गैस मॉलिक्यूल्स। हम कहते हैं कि लार्ज एम्प्टी स्पेसेस होती हैं गैस के मॉलिक्यूल्स, जो बहुत ज़्यादा डिस्टेंसेज होते हैं, बहुत ज़्यादा डिस्टेंसेज होते हैं। और उसके बाद हमारे पास ये है कि गैस के मॉलिक्यूल्स के दो रॉन्ग पास्टुलेट्स हैं KMT के, जिसको करेक्ट किया था वान डर वाल ने। पहली बात यह है कि अब चूंकि गैस के मॉलिक्यूल्स के दरमियान में स्पेसेस बहुत ज़्यादा हैं, तो सपोज कर लिया गया कि गैस के मॉलिक्यूल्स के दरमियान में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होंगी ही नहीं। याद रखिए, ऐसी गैसेस जिनके मॉलिक्यूल्स के दरमियान में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन नहीं होती, वो आइडियल गैसेस कहलाती हैं, और वो आइडियल गैस इक्वेशन को फॉलो करती हैं। तो अभी तक जितनी भी बातें हो रही हैं वो आइडियल गैसेस की हो रही हैं। तो यहाँ पर भी वही बात है कि अब चूंकि स्पेसेस बहुत ज़्यादा हैं, इस वजह से देयर विल बी नो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन गैस मॉलिक्यूल्स। दूसरे नंबर पे जो गैस का एक मॉलिक्यूल है, एक मॉलिक्यूल अगर हम गैस के टोटल वॉल्यूम के साथ उसका वॉल्यूम कंपेयर करें, नेग्लिजिबल होगा। यानी इतना स्मॉल साइज होगा गैस के मॉलिक्यूल का कि हम उसे एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ द गैस के मुकाबले में नेग्लिजिबल ही कंसीडर करते हैं, हालांकि ऐसा होता नहीं है। बेशक गैस के मॉलिक्यूल का वॉल्यूम बहुत कम होता है, लेकिन स्टिल इट एग्जिस्ट करता है और इसका इफेक्ट भी होता है। सो देयर आर टू रॉन्ग पास्टुलेट्स, के पहला हमारे पास फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है, एंड द सेकंड वन हमारे पास कौन सा है, गैस के मॉलिक्यूल का जो वॉल्यूम है वो एज कंपेयर टू वॉल्यूम ऑफ द गैस क्या होता है, नेग्लिजिबल होता है। कमिंग टुवर्ड द सेवंथ पॉइंट हमारे पास ग्रेविटी के इफेक्ट के बारे में है, कि ग्रेविटी का गैस के मॉलिक्यूल्स की मोशन के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता, बहुत कम इफेक्ट होता है। लाइक अगर आप हीलियम वेदर बलून्स में फिलअप करते हैं तो वो इट गोज अप 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 एंड अप, उसकी वजह क्या होती है, जो ग्रेविटी है वो गैस के मॉलिक्यूल्स की मोशन को इतना ज़्यादा इंटरप्ट नहीं करती। एट्थ नंबर पे बड़ी इंपॉर्टेंट बात की हुई है उसने, कि काइनेटिक एनर्जी जो है गैस के मॉलिक्यूल्स की, इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ द गैस।
जो कि हमारा काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर एक टॉपिक आएगा, उसके अंदर भी हम यूज़ करेंगे इसको और फर्दर भी काफ़ी चीज़ों पे यूज़ होगा। तो ये 8 पॉइंट है हमारे पास। पहला पॉइंट गैस के मॉलिक्यूल्स को डिफाइन करता है, दूसरा पॉइंट गैस के मॉलिक्यूल्स की मोशन के बारे में है, तीसरा पॉइंट हमारे पास प्रेशर के बारे में है, चौथा पॉइंट हमारे पास स्पेसिस के बारे में है, पाँचवा पॉइंट हमारे पास फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन के बारे में है, छठा पॉइंट हमारे पास जो गैस के मॉलिक्यूल का वॉल्यूम है उसके बारे में है, सातवां पॉइंट हमारे पास ग्रेविटी के बारे में है, और आठवां पॉइंट हमारे पास काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स के बारे में। अब ज़रा डेरिवेशन पे आ जाते हैं। अब हमारे पास जो इक्वेशन डिराइव की गई है दैट इज़ पी वी इज इक्वल टू 1/3 mNc²/bar। अब हमने इस इक्वेशन से एक और इक्वेशन जो है ये डिराइव करनी है, दैट इज CRMS इज इक्वल टू 3RT/m। शॉर्ट क्वेश्चन आता होता है प्रूव दैट CRMS इज इक्वल टू 3RT/m, तो हमने ये डेरिवेशन करनी होगी। देखें डियर स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ मोल्स जो है वो किसके इक्वल होते हैं, गिवन मास ओवर मोलर मास के। अगर हम इस इक्वेशन को थोड़ा सा रीअरेंज करें तो n विल बिकम इक्वल टू कैपिटल M। सो ये जो इक्वेशन आपके पास है, लेट्स से हम इसे a कह देते हैं, इस इक्वेशन के अंदर जो एम एन है उसकी जगह पे क्या लिखा जा सकता है, कैपिटल M लिखा जा सकता है, लिख दें। तो हमने ये देखें इक्वेशन के अंदर m लिख दिया और इसे हमने लेट्स से कर दिया कि ये हमारे पास इक्वेशन b है। अब जो जनरल गैस इक्वेशन है, जनरल गैस इक्वेशन दैट इज पी वी इज इक्वल टू nRT। अगर आप किसी कोई गैस लें और उसके नंबर ऑफ मोल्स 1 हों तो n जो है ये ख़त्म हो जाएगा, तो पी वी विल बिकम इक्वल टू RT। सो इक्वेशन बी के अंदर जहां पी वी लिखा हुआ है उसकी जगह पे आप क्या लिख सकते हैं, RT लिख सकते हैं, लिख दिया। RT इज इक्वल टू 1/3 mC²/bar। इसी तरह से अगर हम इस इक्वेशन को रीअरेंज करें, यानी 3 को इधर मल्टीप्लाई कर दें, तो इट विल बिकम 3 RT इज इक्वल टू mC²/bar। इसी इक्वेशन को अगर हम रीअरेंज करें तो हमारे पास जो है वो इक्वेशन बन जाएगी कुछ इस तरह से, आप सी स्केयर बार को यहाँ पे रहने दें, m को इधर ले आए, 3RT/m बन जाएगा, ठीक है, यानी स्केयर रूट ले लें दोनों साइड्स पे। तो ये जो आपके पास थी सी स्केयर बार, इसे हम कहते होते थे मीन स्केयर वेलोसिटी, और ऊपर हमने ले लिया इसका रूट, सो इट विल बिकम रूट मीन स्केयर वेलोसिटी। ये जो RMS है, R स्टैंड फॉर रूट, m स्टैंड फॉर मीन, s स्टैंड फॉर स्केयर और c स्टैंड फॉर वेलोसिटी। तो CRMS इज इक्वल टू रूट मीन स्केयर वेलोसिटी, दैट विल बिकम इक्वल टू 3RT/m। हेयर हमारे पास डेरिवेशन कंप्लीट हो जाती है। हमारे पास डेरिवेशन ऑफ गैस लॉज है, सबसे पहले हमारे पास बॉयज लॉ है, दैट इज द रिलेशनशिप बिटवीन वॉल्यूम ऑफ द गैस एंड प्रेशर, एंड दे आर इन्वर्सली रिलेटेड विद ईच अदर। अब हमने ये चीज डिराइव करनी है, या ये डिराइव कर दें या फिर ये प्रूव कर दें पी वी इज इक्वल टू के। तो देखें जरा, आपके पास जो लास्ट पॉइंट था दैट सेज दैट काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। काइनेटिक एनर्जी हमने यहाँ पे, मैंने आपको बताया किसके इक्वल है, हाफ एम एन सी स्केयर बार के इक्वल है, तो मैंने लिख दिया हाफ एम एन सी स्केयर बार इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। जब हम प्रोपोर्शनैलिटी साइन ख़त्म करते हैं तो कॉन्स्टेंट लगाते हैं के, और साथ में इक्वल का साइन लगाते हैं, लगा दिया हाफ एम एन सी स्केयर बार इज इक्वल टू के टी। अब हमारे पास जो काइनेटिक मॉलिक्यूलर इक्वेशन है दैट इज पी वी इज इक्वल टू 1/3 mNc²/bar। अब अगर मैं 1/3 को फ्रैक्शनलाइज कर लूँ, यानी इसको सेपरेट कर लूँ, 2/3 और 1/2 लिख दूँ, तो आंसर यही आएगा 1/3। गॉट इट? तो इसका मतलब इस इक्वेशन को इस तरह भी लिखा जा सकता है कि 2/3 × 1/2 mNc²/bar। अब हमारे पास ये जो टर्म है ये किसके इक्वल है, 1/3 × 1/2 mNc²/bar kT के इक्वल थी, देखिए मैंने इसकी जगह पे kT लिख दिया। सो इक्वेशन बिकम पी वी इज इक्वल टू 2/3 kT। अब हमारे पास जो बॉयज लॉ है उसके अंदर टेम्परेचर भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, 2 भी कांस्टेंट है, 3 भी कांस्टेंट है, तो ये सारी की सारी टर्म जो है दैट विल बिकम कांस्टेंट। अगर ये कांस्टेंट है तो इसे हम के प्राइम, नए कांस्टेंट से रिप्रेजेंट करते हैं, पी वी इज इक्वल टू के प्राइम, दैट इज बॉयल्स लॉ। एट द सेम टाइम जो हमारा चार्ल्स लॉ है इसकी डेरिवेशन भी सेम है, यहाँ तक आपने एज इट इज आना है जैसे आप ऊपर आए हैं, यहाँ पे थोड़ी सी चेंजेस करनी है, ठीक है जी। आपने क्या करना है, वॉल्यूम को यहाँ पे रहने देना है, ये देखें मैंने वॉल्यूम को यहाँ पे रहने दिया, प्रेशर को दूसरी साइड पे लेके जाएं और डिवाइड कर दें,
अब 2k ओवर 3p ये क्या हो जाएंगे, कांस्टेंट हो जाएंगे। कांस्टेंट को ख़त्म करें, इक्वल का साइन ख़त्म करें, नया कांस्टेंट आता है दैट इज़ के प्राइम एंड वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी दैट इज चार्ज लॉ। तो ये जो इतना बड़ा टॉपिक समझा जाता है, काफ़ी डिफिकल्ट टॉपिक समझा जाता है, इसे हमने विद इन नो टाइम 10 से 12 मिनट में एक समराइज्ड लेक्चर और बड़ा कम्प्रीहेंसिव लेक्चर आप तक पहुंचा दिया है। एमकैट के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट्स वाई मैंने ये समझाया। अदरवाइज इस साल के कम्बिनेशन के अकॉर्डिंगली इस चैप्टर से सिर्फ न्यूमेरिकल आना है, लेकिन जो बच्चे एमडीकैट एस्पिरेंट्स हैं वो इस टॉपिक को कम्प्लीट करेंगे। दुआओं में याद रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।